हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लाइब्रेरी की एक जॉब के बारे में, जो कि है MTS लाइब्रेरी। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है DPL की तरफ से। DPL क्या है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने MTS लाइब्रेरी के लिए वैकेंसी निकाली है और यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो हैं 25 यानी कि 25। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, वो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ये नोटिफिकेशन कब निकला? तो वो निकला है 19/1/2019 को, यानी कि अभी जनवरी में ही निकला है। इसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 30 दिन बाद की, और 30 दिन बाद आप कह सकते हो 18 फरवरी 2019। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं DPL ने बताया है कि MTS लाइब्रेरी के लिए हमको जो है रिक्वायरमेंट है, और वैकेंसी कितनी है या पोस्ट कितनी है, तो वो है 25। और कैटेगरी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक बात और कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो OBC आपको नहीं मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको अनरिजर्व्ड से भरना पड़ेगा। अनरिजर्व्ड की कितनी वैकेंसी है या कितनी पोस्ट है, तो वो है यहाँ पर कितनी है, 14 वैकेंसी हैं, 14 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको और कुछ बता दूं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो देखिए, रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहली बात, +2 होना चाहिए, यानी कि 12th पास आप हों। और इसके अलावा लाइब्रेरी की फील्ड से रिलेटेड कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, BLIS, MLIS, कोई भी कोर्स आपने कर रखा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपको ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट कराना होगा। प्रिंट आउट कैसे कराएंगे? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे एक PDF डाउनलोड होगा, उस PDF का ये वाला पेज आप प्रिंट आउट करवाएं। और प्रिंट आउट करवाने के बाद आप इसको फिल करें, फिल करने के लिए फ़ोटो लगाएं और जो भी जानकारी मांगी गई है वो यहाँ पर लिखें। और लिखने के बाद आपको ये वाला पेज भी प्रिंट आउट करवाना है। और इस वाले पेज को प्रिंट आउट जब आप करवा लेंगे, फिल करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखें ज़रा ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट की जानकारी देनी है। जी हाँ, आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो वो बता देते हैं। देखिए, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाने पड़ेगा या तो 150 रुपये का या फिर 300 रुपये का। कहने का मतलब है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भरेंगे तो आपको 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा सेक्रेटरी दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के नाम पर। और इसके अलावा अगर आप SC ST या फिर किसी और कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा वो 150 रुपये का होगा। और उसकी जानकारी आपको कहाँ पर भरनी है, यहाँ पर भरनी है। और डिमांड ड्राफ्ट को इसके साथ लगाना है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके वो इसके साथ लगाने हैं, आधार कार्ड और BLIS या फिर सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी जो भी आपके पास है वो सब इसके साथ लगाना है। और इसको फिर स्पीड पोस्ट कर देना है या फिर आप नॉर्मल पोस्ट कर सकते हो। और नॉर्मल पोस्ट कहाँ पर करना है, तो एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, एड्रेस ये है, यहाँ पर आपको DPL का एड्रेस है, यहाँ पर आपको इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। और इसके अलावा एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि जब आप इसको एनवलप में डालेंगे, यानी कि लिफाफे में डालेंगे, तो उस लिफाफे के ऊपर क्लियरली आपको लिखना होगा अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी MTS। और इसके अलावा जो भी आपको लिफाफे पर लिखना होता है, अपना एड्रेस और जहाँ पर भेज रहे हैं उनका एड्रेस, वो तो लिखना ही है। अच्छा, तब आपको फिर इसे सेंड कर देना है। और सेंड करने के बाद क्या क्या होगा वो बता देते हैं। तो देखिए, सेंड करने के बाद क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपको DPL की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इस तरह का लिंक देखने को मिलेगा। और जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF के अंदर बताया गया हुआ होगा कि अगर आपको एडमिट कार्ड मिल गया है, जी हाँ, DPL की तरफ से बाय पोस्ट आपके घर पर जो एडमिट कार्ड होगा वो आ जाएगा। अगर वो एडमिट कार्ड आपको मिल गया है तो फिर आपको पता ही लग जाएगा कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है। अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको DPL के एडमिन ब्रांच के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड दिखाना है, उसके बाद आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा और फिर आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर ही दी गई हुई होगी। और ये वाली जो नोटिफिकेशन है ये पुरानी है, ये मैं आपको पुरानी नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक महीने बाद लगभग इस तरह की एक नोटिफिकेशन और जारी की जाएगी, जिसके अंदर डेट बताई गई होगी। और इसी नोटिफिकेशन को अगर आप पलटेंगे तो यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा और आपका नाम होगा। ये जो नोटिफिकेशन है वो MTS जर्नल की है,
ठीक इसी तरह से और भी नोटिफिकेशन आ सकती हैं। अच्छा, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले इस फॉर्म को प्रिंट आउट कराना है, फिर उसके बाद इसको फिल करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और उसके बाद इसे सेंड कर देना है। फिर वेट करना है कि कब आपका जो एडमिट कार्ड है वो आता है या फिर ये नोटिफिकेशन आती है। और नोटिफिकेशन के आने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में जितने आपके मार्क्स आएंगे उनके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। और एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपके पास लाइब्रेरी की फील्ड से रिलेटेड 7 साल का एक्सपीरियंस है और एमलिब आपने कर रखा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं सीनियर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए। और इसकी भी नोटिफिकेशन जारी की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कोई पर्टिकुलर अलग से वीडियो नहीं बनाई है, ये नोटिफिकेशन भी है तो आप इसको भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।